हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ मिंत्रा बैग हॉल, जो कि मिंत्रा की राइट टू फैशन सेल चल रही है 26 जनवरी के लिए। उसमें आप इनको अच्छे डिस्काउंट में परचेज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट बैग है ऑस्मोसिस ब्रांड का। ये एक लार्ज साइज़ बैग है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस देखने को आपको मिल जाएगी। एक शॉर्ट हैंडल के साथ ही आती है, इसमें लॉन्ग बेल्ट नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। प्यू लेदर में है। इसका जो MRP है 2000 समथिंग है, पर डिस्काउंट में ये मुझको 1100 रुपीज़ का मिला था मिंत्रा में। तो आप सेल में इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगल कलर अवेलेबल है, बहुत सारे कलर नहीं हैं, और इसकी ब्रांडिंग आपको एंड में मिल जाएगी जो बॉटम लाइन पे है। पीछे आपको एक जिप मिल जाती है, चेन मिल जाती है जिसमें आप अपने कैश रख सकते हैं। अंदर भी 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं। बैग जो है काफ़ी स्पेशियस है, इसमें आप बहुत सारा सामान अपना कैरी कर सकते हैं। ट्रैवल के लिए ये परफेक्ट है। इसमें आपको इस तरीके की स्पेस देखने को मिलेगी जिसमें आप अपना काफ़ी सारा मेकअप एंड कैश कार्ड सब कुछ, फ़ोन उन छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हो, और ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है कि एस्पेटा ब्रांड का। ये एक छोटा बैग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्पेस कम है इसमें, और इसमें आपको प्लास्टिक के हैंडल मिल जाते हैं। इसमें 4 से 5 कलर अवेलेबल हैं, 2 साइज़ में ये अवेलेबल है, और इसमें आपको स्पेस देखने को इतनी मिलेगी। बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट के साथ नहीं आता, तो इसमें आप सामान बहुत सारा कैरी नहीं कर सकते, सिर्फ ये कैश के लिए परफेक्ट रहेगा। बैग में आपको इस तरीके की एक कैश रखने के लिए कंपार्टमेंट छोटा सा मिल आता है। 1999 रुपीज़ इसका MRP है, और जब मैंने लिया था तो ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ गया था। तो ये सेल में आप ले सकते हो, 900 तक का इस समय सेल में मिल जाएगा। अच्छा बैग है, इसमें 4 से 5 कलर अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कलर परचेज कर सकते हो। मैंने बीच शेड परचेज किया, जो कि बहुत डिफरेंट एंड यूनिक कलर है। यूजली इस तरीके के कलर सारे बैग में अवेलेबल नहीं रहते। ये PU मटेरियल में है, लेदर नहीं है। नेक्स्ट है ये छोटा सा क्लच टाइप का बैग, जो कि सीक्वेंस वर्क के साथ आता है। इसमें वाइट एंड ब्लैक कलर अवेलेबल है, बहुत कम स्पेस के साथ आता है, सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए है। मतलब एक छोटा सा क्लच टाइप का है जिसमें आप थोड़ा बहुत कैश रख सकते हो, और एक आपका मोबाइल आ जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी सामान आप कैरी नहीं कर सकते। एक लॉन्ग चेन मिल जाती है जो कि इसको स्लिंग बनाती है। बाकी इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें कुछ गिर जाएगा तो इसी तरीके से इस डर्टी हो जाएगा, जिसको आप क्लीन नहीं कर पाओगे सीक्वेंस लगे होने की वजह से। तो ये जो चेन की क्वालिटी है, बैग का मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो उसको भी। नेक्स्ट है कि एलन सोली का बैग, जो कि मैंने परचेज़ किया था आई थिंक 1400 रुपीज़ का। ये भी PU मटेरियल में है, प्योर लेदर में नहीं है। इसमें आपको इस तरीके का एक क्लोज करने के लिए बटन टाइप का मिलता है, शॉर्ट सा हैंडल है, लॉन्ग बेल्ट भी मिलती है जिसको आप लगा सकते हो। काफ़ी स्पेशियस है, साइज़ छोटा है, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है इसमें, जो कि इसके बारे में मुझे अच्छी बात लगी। ये जो बैग है ये थोड़ा लेदर लुक में आता है, बट ये लेदर नहीं है। किस मेंशन किया गया था PU मटेरियल में है ये बैग। बैग अच्छा है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो अगर आप छोटे बैग लेना पसंद करते हो, बहुत बड़े बैग नहीं पसंद करते हो। तो इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी मटेरियल है, और ये आपको सेल में 1000 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।